कालिया नाग ने किया प्रार्थना और प्रथा पर हमला, अनमोल ने की सिंगिका से मुलाकात। वेल, हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी के पॉपुलर टीवी सीरियल नागिन 6 की। आज के एपिसोड में हमने देखा कि प्रथा और प्रार्थना कालिया नाग को ढूंढ रहे होते हैं, वहीं प्रतीक्षा प्रथा से मिलने आती है। रुद्र अपने मॉम डैड को ढूंढ रहा होता है, वहीं रुद्र अपने मॉम डैड की बचाने गुफा के अंदर भी जाता है। अनमोल रुद्र को अपने साथ बाहर लेकर जाते हैं, वहीं रुद्र अपने मॉम डैड के मरने की वजह से इमोशनल हो जाता है। अनमोल रुद्र को प्रार्थना की इयररिंग्स भी दिखाते हैं। रुद्र प्रार्थना को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ रुद्र प्रार्थना पर बंदूक तान देता है। रुद्र प्रार्थना को अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार भी मानता है, वहीं रुद्र प्रार्थना को इयररिंग्स दिखाता है। अनमोल रुद्र को भड़काती हुई भी नजर आती है, वहीं प्रथा समय को रोक लेती है। प्रार्थना याददाश्त भी हटा देती है। वहीं ट्रैक में आके हमने देखा कि प्रथा प्रार्थना को समझा रही होती है। प्रथा धर्म के रास्ते पर चलने की बात कहती है और नागिन का फर्ज अदा करना भी प्रार्थना को याद दिलाती है। पायल की कहानी भी खोजना शुरू कर देते हैं दोनों। प्रथा और प्रार्थना एक साथ पाताल लोक जाते हैं, वहीं अनमोल उर्वशी को सारी कहानी सुनाती है। पाताली लाल रात के बारे में भी अनमोल से बात करती है और सिंगिका के कदमों में पायल रखने को कहती है। पाताली नागिन के खिलाफ हथियार इकट्ठा करने की भी बात कहती है। वहीं ट्रैक में आगे हमने देखा पाताली अनमोल से पाताल लोक चलने की बात कहती है। अनमोल से पाताली अपने वंश और सिंगिका से मिलने को कहती है और प्रथा से पायल लाने की बात भी कह रही होती है। वहीं प्रथा 6 लोग पार करने की बात कहती हुई नजर आती है। प्रार्थना और प्रथा मायावी नेवले से अपने आप को बचाते हैं, वहीं प्रार्थना मायावी नेवले के झुंड से सबको बचा लेती है। प्रथा अनमोल के तकलीफ में होने का एहसास भी करती है, वहीं प्रार्थना इस जगह को पहले ही अपने सपने में देखने की बात भी प्रथा से कहती है। पाताली सिंगिका को प्रणाम करती हुई नजर आती है, वहीं प्रार्थना और प्रथा को कालिया नाग भी मिल जाता है, जिसे वो प्रणाम करती हुई नजर आती है। पाताली सिंगिका से अनमोल को मिलवाती है और उसे आशीर्वाद देने को कहती है। वहीं प्रथा और प्रार्थना नृत्य करके कालिया नाग को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पाताली सिंगिका को जागृत करने के लिए आरती भी करती है। वहीं पाताली उन अस्त्रों के बारे में बात करती है जिससे नागिन पर वार करना है। ट्रैक में आगे हमने देखा कि कालिया नाग दोनों नागिनों पर गुस्सा कर रहा होता है और उन्हें दंड देने की बात भी कहता है। कालिया नाग प्रथा और प्रार्थना पर आंख से वार भी करता है। वहीं प्रथा बांसुरी बजाकर कालिया नाग का क्रोध शांत कराती है। कालिया नाग प्रथा को उलुमा और सिंगिका की पूरी कहानी भी सुनाता है। वेल, अपकमिंग ट्रैक में ये देखना दिलचस्प होगा, क्या अनमोल छीन लेगी प्रार्थना से पायल, क्या अनमोल हो जाएगी प्रार्थना को मारने में कामयाब। आपका अपकमिंग ट्रैक के बारे में क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। टीवी शोज की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।